हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उदर बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे कि नया जो ट्रीटमेंट आया है जो हम ओरली ले सकते हैं तो कौन सा है, और ये जो मैं अभी नए नए आपको लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो अभी जो CROI 24 हुआ था मार्च में, उसमें वो सब पेपर्स डिस्कस हुए थे। और इसके पहले मैंने आपको लेने का पावीर का भी बताया प्रेप के इसमें, और दूसरा जो मैंने इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट में क्या यूज़ करते हैं वो भी बताया। अभी हम देखेंगे कि अपना जो डेली डोज है TLD, उसके अलावा कोई है क्या ऐसा ड्रग्स, उन्होंने कुछ ड्रग्स बनाए हैं क्या, वो हम आज देखेंगे। और वो ड्रग्स भी जो है वो CROI मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ रेट्रोहेरेसिस और अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस के कॉन्फ्रेंस में ये सब पेपर्स डिस्कस हुए हैं, और उनके हिसाब से वो जिन्होंने जितना ट्रायल्स किया है वो हर एक ट्रायल्स का मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। अभी ये जो है वो लॉन्ग एक्टिंग ओरल HIV ERT के बारे में है। तो ये ड्यूरिंग जो उनका जो कॉन्फ्रेंस हुआ रेट्रोवायरस और अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, तो ये उन्होंने डिस्कस किया था। अभी ये जो ट्रायल फेज में ही है और ये सेकंड ट्रायल उसका चल रहा है, तो ये लॉन्ग एक्टिंग ओरल जो HIV की ट्रीटमेंट है, जैसे हम लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन के बारे में मैंने बताया, वैसे ही लॉन्ग एक्टिंग ओरल ट्रीटमेंट। अभी सद्य स्थिति में हम कौन सा लेते हैं, तो TLD लेते हैं। तो TLD में टीनोफोविर ह्यूमरेट है, और लैमिउडिन है, और डॉलिटोग्राविर है, और हम वो हमेशा दिन में एक बार लेते हैं। और हम हमारे पेशेंट को बोलते हैं कि आपका जो टाइम है वो टाइम बराबर रखिए। अगर आप सुबह लेना चाहते हैं तो सुबह का एक ही टाइम रखिए, और अगर रात को लेना चाहते हैं तो रात का एक ही टाइम रखिए। तो उसमें वो 24 आवर्स का जो उनका ड्रग्स का बायो अवेलेबिलिटी होता है वो सही रहता है। तो ये जो ड्रग्स है, ये रेजिम में दो प्रकार की दवा है। एक जो दवा है वो लेने का पावीर ही है, और दूसरा जो दवा है वो न्यू दवा है, इसाल्टावीर करके वो जो दवा है वो है उसमें। और उन्होंने जो ट्रायल किया तो उसमें 6 महीने के बाद वो जो वायरल लोड था वो सप्रेस हो गया। अभी हम वायरल लोड हमेशा HIV में क्यों देखते हैं, क्योंकि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV ये जब अटैक करता है तो वो इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, और उसके स्टेजेस है कि वो कैसे कैसे बाइंड करता है अपना इम्यून सिस्टम के टी सेल्स के ऊपर। अभी वो T8 सेल है और CD4 टी सेल्स है, और CD4 CD8 टी सेल्स है। तो CD4 जो सेल्स है उसके ऊपर वो अटैक करके और उनको चिपकते हैं। तो ये जो अटैक का जो मैकेनिज्म है वही ये जो ड्रग्स जो है वो मेन क्या करते हैं, ड्रग्स वो उनका रिप्लिकेटिंग पावर कम करते हैं और उनको डॉर्मेंट स्थिति में भेजते हैं। तो अभी वो मैंने लेनेकापावीर का जो बोला वो ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, और मैंने प्रेप में बोला कि प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस मीन्स आगे जाके वो जो संबंध रखते हैं, मीन्स अगर उनको एक्सपोज होते हैं HIV को तो वो आगे जाके उनको HIV नहीं होगा, इसलिए वो प्रेप के रूप में भी देते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो अभी ये जो ड्रग्स में है, लेनेकापावीर है और दूसरा इसाल्टावीर है, तो अभी उनका ये जो उन्होंने चालू कर दिया, अभी ये लेनेकापावीर ये जो है गिलीड साइंस ने बनाया है, और वो पहला कैप्सिड इनिबिटर है। और जो दूसरा जो ड्रग्स मैंने
दूसरा जो मैंने ड्रग बताया इस्लाट्रेविर, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी मर्क ने बनाया है। अभी ये जो दवा है उसमें दो प्रकार की मैंने बोल दिया कि दवा है, एक तो लेनाकापावीर और ग्लिविन, मीन जी आई लिव, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उन्होंने वो बनाया है, और जो दूसरा है वो इसाल्ट्रावीर वो मर्क ने बनाया है। तो अभी ये जो लेनाकापावीर है वो क्या है, वो पहला कैप्सूल इनिबिटर है, और जो दूसरा ड्रग मैंने बोला इसाल्ट्रावीर वो मर्क ने बनाया है, और वो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ट्रांसलोकेशन इनिबिटर है, मीन्स वो एनआरटीआर है। तो उनका दो स्टेप चल रहा है, मीन्स फेज टू में उनका ट्रायल चल रहा है। तो मैंने पहले जो एक नया ड्रग्स का मैंने जो वीडियो डाला था वो बिक्ट्रा वी, उसमें क्या है, तो उसमें टीनोफोविर अलिफामाइड है और एंट्रिसिटाबिन है और बैक्ट्रोग्राविर है। तो ये एक ड्रग्स जो है, तीन ड्रग्स का एक ड्रग्स जो है वो बिक्टारवी करके ट्रेड नेम उसका बाजार का नाम का है, वो एक ग्रुप में वो दवा दी गई है। मीन्स उनके जो ट्रायल किए उन्होंने दो ग्रुप किए थे, वो एक ग्रुप में ये बिक्टारवी दिया गया। तो अभी बिक्टारवी मैंने बोला कि वो तीन ड्रग्स है, उसमें बैक्टीरियोग्राविर, टीनोफोविर अल्फाफिनामाइड और तीसरा एंट्रीसिटामिन है, और एक जो दूसरा ग्रुप था उसको लेनाकापावीर और इसाल्ट्रावीर लिया गया। तो ये दोनों के जब वो 24 वीक्स दे गए उनको, और हफ्ते में एक बार वो जो पार्टिसिपेंट थे, वो पार्टिसिपेंट कौन थे, तो वो एचआईवी पॉजिटिव एचआईवी वन पेशेंट थे। तो उनको ये दो ग्रुप में डिवाइड किया, और एक ग्रुप को बिक्ट्रावी दिया गया और दूसरे को ये लेनाकापावीर और इसाल्ट्रावीर दिया गया। और फिर जब 24 वीक्स के बाद उनका वायरल लोड उन्होंने चेक किया। अभी ये वायरल लोड क्यों चेक करते हैं, तो मैंने पहले बताया कि वो वायरल का जो लोड है वो एचआईवी पेशेंट में कितना कम होता है, ये उनका एंड रिजल्ट करके वो साइंटिस्ट देखते हैं। तो वो उन्होंने किया, तो वो दोनों में भी उनका रिजल्ट सेम आया, वो 94% आया उनका। तो वो बहुत ही अच्छा है, ऐसा वो लोगों ने जो CROI के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ये अभी फेज टू में है, अगर ये ड्रग्स चलेगा तो आगे जाके हर रोज की जो गोली है वो लेनी नहीं पड़ेगी। और उसके वो एंड रिजल्ट में उन्होंने उनके साइड इफेक्ट्स भी इतने नहीं पाए गए, तब जो पार्टिसिपेंट थे वो उनको वो अच्छे तरह से उन्होंने वो जो डोज था गोली के में, जो दो गोली थी लेनाकापावीर और इसाल्ट्रावीर, वो हफ्ते में एक ही बार लेने की थी और मंथली चार बार उनको लेने की है, और उनका अच्छा रिजल्ट्स भी उनको मिला, साइड इफेक्ट्स नहीं मिले, और मेन उनका वायरल लोड अच्छा आ गया। तो आगे जाके अगर ये तीसरा ट्रायल होगा और वो अप्रूव होगा तो शायद वो दुनिया भर में भी आ सकता है। तो व्यूअर्स, आज हमने क्या देखा कि जो नए ड्रग्स है, नए ड्रग्स उनका भी ट्रायल्स चल रहा है, और अलग अलग प्रकार के ड्रग्स भी बाजार में आ रहे हैं। लेकिन ये ड्रग्स में आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि कमेंट में बोलते कि अपने इधर कब आएगा, कब आएगा, तुम वो शायद मेरा वीडियोस डिटेल में पूरा देखते नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि हर एक वीडियो में मैंने बताया है कि ये ट्रायल चल रहा है, ये इंडिया में आया है कि नहीं, ये किधर और इस्तेमाल हो रहा है क्या। तो हमारे मैंने ये भी बताया कि अपने इंडिया के जो लोग हैं वो 98% सरकारी दवाखाने में लेते हैं। तो ये जो नया ड्रग्स आएगा भी, तो
प्राइवेट कंसल्टेंट जो एचआईवी एक्सपर्ट है वो ही दे सकते हैं, क्योंकि उनकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा ही होगी और अपने अगर पेशेंट को अगर वो अफोर्ड होगा वो ले सकता है। लेकिन अभी भी उनका ट्रायल चल रहा है, अभी ट्रायल होने के बाद उनको जो अप्रूवल के लिए जाना पड़ता है उसके लिए थोड़ी देर लगती है। तो व्यूअर्स आपको समझा होगा कि ये मैं लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों के पास लेके आती हूँ कि ये हो जाएगा। और जो मैंने लास्ट टाइम का एक जो वीडियो डाला था सनले का, वो सनले का अपने इंडिया में है लेकिन वो कौन से पेशेंट पे एचआईवी वन जो है पेशेंट उनमें देते हैं, लेकिन वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में देते हैं। तो अगर आपको किसी को भी कोई लगा होगा तो प्राइवेट के जो कंसल्टेंट है डॉक्टर्स एक्सपर्ट उससे आप सलाह ले सकते हैं। लेकिन अभी तक वो सरकारी जो अस्पताल है पीआरटी के सेंटर्स से उसमें वो नहीं आ गया है, क्योंकि अपने इंडिया के जो ड्रग्स है वो अप्रूव करने का अपना नैको के हाथ में है और वो जब नैको करेंगे तो ही वो आ सकता है। तो व्यूअर्स मुझे लगता है ये आपको मालूम होगा या आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।